लेते करो अपना मैक खोलो तड़ा मैक बंद जे अपन दुआ करिए कि अपनी फेसबुक लाइव हो गई है सारे स्टार्ट हो गए फेसबुक लाइव हम अपन दुआ करेंगे पास्टर जी अजय जी मीटिंग वास्ते दुआ करो सिर्फ मीटिंग वास्ते खुदा जी बरकत पावे दुआ सारे नु बरकत दे आइए आइए दुआ करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी ते खुदा ताडा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी खुदावंद खुदा अपने आप नु और खुदावंदा मीटिंग नु ताडे पाक पवित्र हत्था दे दिंदे हां दास पास्टर बलबीर नु भी खुदावन तुसी दुगना अभिषेक दे के इस्तेमाल कीजिए और प्रभु जी आज दी इबादत खुदा ताडे जयवंत हत्थां ते दे दिंदे हां गीता भजना द्वारा आज दी जीवती बाणी दे द्वारा खुदावन तुसी अपने लोगों की मदद और सहायता करना और जिन्हें लोग लाइव देखन खुदा उन्होंने जीवन से खुदावन ताडा आत्मा कार्य करे पवित्र यीशु ताडा धन्यवाद छोटी बेनती सुनना स्वीकार करना मंग दे अपने मुक्ति यीशु दे ना ना आमीन आमीन हुण पास्टर रोमी जी करनगे जिथे फ्लड आए आ जिहड़े इंडिया जे फ्लड आए आ ओरे वास्ते प्लस करोना वास्ते ए दो दवा पास्टर रोमी जी करनगे महान प्यारे पिता सर्वशक्तिमान खुदावन तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते हैं प्यारे पिता सुबह तो लेके शाम तक रस मालिक रखा उदे लिए तेरा धन्यवाद ते तेरा शुक्रिया सही सलामत लेके गया सही सलामत लेके आया उदे लिए भी तेरा शुक्रिया ते तेरी तारीफ करते प्यारे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह जिस जिस जगह ते प्यारे पिता परमेश्वर पानी दी मार है प्यारे पिता परमेश्वर पानी दे नाल लोकां दे घर बार ढह गए ने प्यारे पिता परमेश्वर खेतां दे विच पानी आ गया प्रभु यीशु मसीह खाण पीण दीआं मुश्किलां ने प्रभु उन्हां दा हल कर इंतजाम कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह जिन्ने भी कोरोना दे कारण हजे भी लोग दुखी बीमार लिसार ने दा प्यारे पिता परमेश्वर कोरोना वायरस दे वी उपर वी प्रभु जी तुहाडा हथ कम करे पिता परमेश्वर तां कि जो लोग तुहानूं नहीं जाणदे ओह कोरोना दे मरीज ने जो तुहानूं नहीं जाणदे उन्हां लोकां कोले अपने दास भेजो ताकि वह लोग अपने पापा तो गुनाह तो तौबा करके उस बीमारी तो निजात पाउण आओ प्रभु दोनों चीजा की जो मैं दुआ की प्रभु थोड़ी स्वर्ग जरूर कबूल हो गए कि पिता थोड़े पवित्र के थोड़े सौ के नाम मंगते हैं आमेन आमीन थैंक यू पास्टर जी थैंक यू गॉड ब्लेस यू ये जो मैं ये कहना चाहना हाँ कि जेडे पास्टर अपने जुड़ते पे आ उस तो बाद आते नहीं पे तो कोई बनी बैब लिखा कल मैं भी कहा 18-20 जे जिथे मेरे ना दे दो या तीन ते मैं उन्होंने वे गया सानू ज्यादा जरूर की लड़ नहीं इन्हों फायदा होंगे सानू भी फायदा नहीं असं बैठे रहने दो दो घंटे सानू तो भी फायदा नहीं इन्हों नहीं फायदा क्यों मेरे सहमत जी रोपोस रोमी जी ये गल ना सर जी इदा दे मैं कहना नहीं चाहता सीगा इदा दे पास्टर कट्ठे करना तो मैं 1000 पास्टर कट्ठे कर दिया की लोड़ है यहोजे लोगों तो दो तीन ही चंगे ने जेडे अपने मिलकर काम तो कर रहे हैं खुदा का सिर्फ तुम दसी सी जी प्रॉब्लम इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम उ सिर्फ उस चीज नॉलो करते हैं बस वो असी करना नहीं बस मैं सीधी गल दसदा तुम जो आ धन्यवाद रब का जो आके चला जाता है वह भी रब भला करे शुक्रिया खुदा बंदा क्योंकि प्रभु का वचन उसी भी दहराए तो मैं भी दहराऊंगा खुदा कहता जिथे दो या तीन मेरे नाम के कट्ठे होंगे ने मेरी आत्मा थोड़े विचकार आ सा सा यीशु साढ़े नाल असं लोगों दुखी लेना ठीक है ना जो जुड़ता है बहुत वधिया गल जो जुड़ता है चलो अज अगर आप भजन गा लेने मैं गा लेना ठीक है खुदा ने चाहे तो आप होर इस तो भी तैयारी खुदा ने चाहे थे आप आंखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है पास्टर जी आगे मैं बंद करना मैडम पास्टर जी खुदावंद में आपकी सलामती हो और वीर जी खुदावंद और बहुत ज्यादा बरकत दे असी अपनी मीटिंग का आगाज करांगे और मीटिंग आगाज असी अपनी टीम दे नाल मिलके खुदावंद दी प्रस्तुति करांगे और मैं जानना चाहांगा कि असी अपनी मीटिंग का आगाज करिए एक मिनट पहले दुआ कर लें दो
लियम सागर दुआ करेगा आज दी मीटिंग ले जी पाकिस्तान से हो रही है। लियम सागर जी सर बोलो, दुआ कर लें दो ताडे वास्ते, दुआ करेंगे फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक हो गया। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this day, Lord God, you have given us, Lord God. I pray for the meeting, Lord Jesus. May your meeting be a blessing, Lord God. Whoever is going to lead and worship, Lord Jesus, Pastor Rafakat and his team, Lord Jesus, bless them, keep them safe. May the meeting go well so we can thank praise your name. I ask this all in the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਆ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਤੇ। ਸਰ 45 ਮਿੰਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ, 25 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਦੱਸਾਂ ਪਾਸਟਰ 15 ਮਿੰਟ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਬਲਵੀਰ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ 25 ਮਿੰਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਾਮ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 30-35 ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਰਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੂੰ ਭਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ, 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, 7:05 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗਾਣੇ ਗਏ, 3 ਗਾਣੇ 25 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 45 ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ, 35 ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੀਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਲਵੀਰ ਭਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ, और हम सब खुदावंत की प्रस्तुति करेंगे। आज हमारे पास वर्शिप के लिए सिर्फ 3 जो है गॉस्पल सॉन्ग है, गीत है। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर खुदावंत की प्रस्तुति करें। हमारे साथ टीम में ब्रदर समीर है, ब्रदर अनिल है जो हमारे क्वायर के म्यूजिशियन है, ब्रदर जैन जो के खुदावंत के खादम बनने को है अनकरीब, ब्रदर कासिम है जो के बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, ब्रदर नवीद है जो सिंगर है, किंग टीवी से हमारे साथ बेटा मौजम भी है। हम सब मिलकर खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भाई है, वैसे इंडिया के है, कैनेडा, वैसे इंडिया कैनेडा से, कैनेडा से है। तो मुझे पता चला है कि वो पंजाबी गीतों को लाइक करते हैं, ज्यादा गाते हैं, तो हम सारे आज पंजाबी में जितने गीत हैं हम उसको गाएंगे, और वो सारे गीत पंजाबी में आज मजबूती से पंजाबी में। सो बहुत ही खूबसूरत गीत है, सहना का यहोवा जो मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरिया तो डर का दा। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। ओ मेरा बल्ला ले तेरी जान है, ओ मेरा बल्ला ले मेरी जान है, मेनू मेरे बैरिया तो डर का सहना दा यहोवा जो मेरे नाल है, मेनू मेरे बैरिया तो डर का। Oh, darling, come on. And do me the best. Oh, darling, come on.
हम सब अपनी आंखों को खुदावंत की तजीम के लिए बंद करें और अपने सरों को आए हम सब दुआ मांगे। प्रेज हालेलुया। वशकरों के वफादार खुदा यीशु के नाम में हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खूबसूरत वक्त के लिए, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो तूने बख्शा। आसमान और जमीन तेरे पांव की चौकी और तेरे पांव की चौकी पर बैठ कर तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही बेहद सजदों के लायक खुदा है। अब यीशु के नाम में हम खास तौर पर आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं। अब आप आज का जो भी कलाम को अपने बंदा के मुंह में रखता है और जब वो हमें आज तेरा कलाम सुनाए तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूल कुछ उसमें से होकर बोले। और बाप आज कह रहे हैं आशात और भेद अपने बंदा के वसीला से हम पर आया कर ताकि आज हम जो कुछ भी सीखे तो बाइस से बरकत हो, अपने घरों के लिए बाइस से बरकत हो, अपनी नस्लों के लिए बाइस से बरकत हो। आज हमें छूना और बरकत देना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे, एक आखिरी गीत गाएंगे, भाई नवीद के नाल मिलके सी एक आखिरी खुदावंद दा गीत गावांगे जिथे दो या तीन जमा होवन, ओदे बाद असी खुदा दे जिंदा कलाम नूं सुनांगे अपनी जिंदगी च लियावांगे। Hazuri hundiye
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. I am milked, not alabang. Hallelujah! 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 इसी तरह वक्त है खुदावंत की जिंदा आवाज सुने कि आज जो खुदावंत के पादप के मुंह में खुदा ने अपना पाक कलाम डाला है आए हम उसको सुनने के लिए तैयार हो ताकि हम उस चीज को अपने घरों में अप्लाई करें उस कलाम को ताकि हमारी नस्लें बाबरकत होना शुरू हो। आए मैं चाहता हूँ मैं खुदा के पादप को पास्टर रफाकत परवेज साहब को सामने दावत दूंगा कि वो आए और कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे। प्रेज हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया। पास्टर रफाकत आ गया, ब्रदर रफाकत आ गया, सारे असीं वेलकम ताड़ियां नाल करांगे। सारे जिन्हें भी पास्टर अपने नाल जुड़े आ पोस लिया सारे पास्टर रफाकत दा ताड़ी नाल स्वागत करांगे। खुदा दे कलाम नूं अपने इन्हां भैन भरावां दे विच वी ओहदे कलाम दा प्रचार कर सकीए जिहड़ी खुदा दी साथ सारिआं दे लई आई सी। असीं उहनां सारिआं दे लई वड्डे तों जलाली कलाम नूं शेयर कर सकीए। इस तों पहले कि असीं खुदावंद दे जिंदा पाक कलाम नूं पढ़ीए मैं चाहवांगा कि भाई अनिल मेरे नाल जिहड़ा है ओह अलतार को जरा थोड़ा जिहा शेयर करन और असीं बाइबल मुकद्दस चों पढ़ांगे योहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 18-19 ਬਾਬ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 18-19 ਬਾਬ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 18-19 ਆਇਤ। कलामे मुकद्दस में यो लिखा है अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। हालेलुया। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। हालेलुया। पाकलाम दा पढ़िया ते सुनिया जाना साडे सारेयां लई वड्डे ते जलाली काम करे। आमीन। अज दा पाकलाम बचावांगा कि असी एक एक लफ्ज नूं गौर ना जानी क्योंकि इत्थे लिखिया है अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे अदावत रखी। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है कि जेड़ा बेला बंदा है जेड़ा ओदे खिलाफ है जेड़ा ओदे नाल जंग करना चाहता है उस सब तो पहले खुदा दे बंदे नाल ते जंग बाद दी गल है। वो कहता है मेरे नाल ही गल करनी है इन्हें मैनू ही ललकार लिया। अज असीं अपनी जिंदगी च बड़ियां चीजां देख रहे हैं कि बड़े खादमी नूं बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पैंदा है। बहुत से खादमी ने मैं कहना ढेर लगा पिया जिन्हां दे नाल दुनिया अदावत और जंग और लड़ाई दे लई तैयार रहती लेकिन मैं इस गल दा यकीन रखना और इस गल दा ईमान इन्ना पुख्ता है कि मेरे नाल बहुत ऐसा हो रहा है कि जिहड़े काम लई दुनिया ने मेनू रोकिया और मेनू मेरे खुदा दे कलाम नू अगे वधण तो मेनू और मेरे खुदा दे कलाम नू रोकिया खुदावन ने हर वो चीज मेनू मुहैया कर दी। क्योंकि असी लोग ऐ सोचने हैं कि असी खुदा तो वादा असी उहदे तमाम कम्मां नू रोकण दी कुवत रखने हैं लेकिन यकीन जानो खुदा दे कम्मां नू कोई नहीं रोक सकता। ना मैं रोक सकना ना सुनने वालों च कोई रोक सकता है ना वो शख्स जिहड़ा अपने आप नूं बड़ा वड्डा भलवान कहिंदा होवे वह भी खुदा दे काम नूं नहीं रोक सकता। इस पूरी दुनिया च इस वक्त इस वेले जिस चीज की ज्यादा मारा मारी है वह साडे कलाम की
जिन्हों देखो वो कोशिश करता है कि जिंदा पाक कलाम नू किसे तरीके में चुकला दवा मैं किसे तरीके दस दवा कि ऐ खादम चुकाए ऐ पादरी चुकाए ऐ बंदा चुकाए लेकिन वो ऐ भूल जाता है कि रब दिया बंदे आ क्यों तू सोचना है जिंदी ड्यूटी जिंदी नौकरी है करता है उधर मालक ऐसा आप हिफाजत करने वाला है आज असि अपनी जिंदगी च बड़े वड़े वड़े काम करना चाहते हैं अज किसी ने पूछो कि तेन की चाहिए तू कहेगा मैनू ए दियो मैनू ए लै दियो लेकिन यकीन जानो कि बहुत कम लोग ने जेड़े कहते ने अरे खुदावन तू मैनू चुन लै अगर तुसी यूहन्ना दी इंजील उहदा 15 बाब और 16 आयत पढ़ना जरा 17 आयत मैं तुमको इन बातों का हुक्म नहीं सर सोना पड़ना सॉरी तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे आज उन्हें ऐसी वेले असी ईमान मजबूत करना शुरू करिए क्योंकि खुदा का खादम मैं एक गल सोचना एक बड़ी अच्छे खुदा के खादम ने हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं की करना एक खुदा के खादम ने उन्हां दी ड्यूटी कोई और है एक खुदा का खादम ने उसकी ड्यूटी कुछ और है एक खुदा का खादम कहता है कि मैं वड्डे वड्डे काम करना चाहना एक खुदा का खादम कहता है मैं शफात ले आना चाहना एक खुदा का खादम कहता है मैं ऐसा काम करा कि दुनिया मेनू याद रखे लेकिन मेरे अजीजो मेरे वीरो मेरी भैनो मेरे भराओ बच्चे हो ए गल याद रखो जो शख्स अपनी बढ़ोतरी करना चाहता है कामयाब नहीं हो क्योंकि वो अपने आप नू बना रहे है खुदा की जात लई कुछ नहीं करता अज इत्थे लिखिया तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया तुसी मेनू नहीं सिलेक्ट किया बल्कि रब की जात कहती अज मैं तेनू तेरी कौम चो सिलेक्ट कर लिया ते जिनू मालक पसंद कर ले साडे गिरजाघर च खुदा दे फजल अज जिहड़े बच्चे ने गीत गाए ने बिल्कुल छोटी जी टीम है कभी वेला होया तो मैं छोटी जी वीडियो जरूर भाई बलवीर नूं भेजांगा क्योंकि मेरे मैं उन्हां नूं अपना वड्डा भरा जानना वा और बड़ी दिल की गहराई नाल उन्हां दी इज्जत करना क्योंकि कलाम नूं इन्नी दूर बैठ कर भी वह इस तरह अपने दिल च रखदे ने कि मैं खुदावंद ने अगर मैनूं चुनिया है तो मैनूं किसी मकसद लई चुनिया है मेरा कोई इस दुनिया के उत्ते रहने का एक हक है जिहड़ा खुदा ने मैनू बख्शिया है लेकिन मैनू खुदा ने कादे लई जिंदा रखा है क्योंकि मेरा वेला है कि मैं रब के कलाम नू लोकां दे विच फैलावां और जदों तुसी कोई खुदा का काम करोगे मेरी गल का यकीन जानो कि तादे नाल दुनिया अदावत रखे दुनिया ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚਰਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਲਾਮ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਤੁਮ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੋ ਕੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਖਤੀ ਅਗਰ ਤੁਮ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਬੜੀਆਂ ਲਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਰਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਕਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 800 ਰੁਪਈਆ ਹੈ
800 रुपया और असि घट तो घट 2000 का सूट पाने औकात सिर्फ 800 रुपए की है। लेकिन मेरे अजीजो जो असि अपने रब की साधना जुड़ जाने यकीन जानो साड़ी वैल्यू बन जाती है। अज बड़े खुदा के खादम ने जेडे कहते आई एम द लीडर आई एम द बेस्ट पास्टर इन द वर्ल्ड मैं दुनिया का बड़ा अजीम खादम हाँ। लेकिन मैं तुम्हें सही कह खुदावंद उच्चे नू नीवा करेगा और नीवे नू उच्चा करेगा। मैं एक गल कहना होना मैं अपनी कुआर दे लड़कियां नू कहना होना यार अपने सिरां नू चुकलाई रखो गर्दन च सरिया ना आवे तुसी जीरो बने रहो जीरो। लेकिन मेरे अजीजो मैं अपने वीर अपने भैन भरावां दे नाल गल शेयर करना चाहवांगा ए गल अज याद रखो ए तुहाडे लई वी मेरे लई वी वड्डी ते अजीम गल है वे कि अगर तुसी जीरो होवोगे ना अगर तुसी जीरो होवोगे ते जिहदे नाल तुसी लग जाओगे ना ओदी मकदार वध जाएगी ओदी जिहड़ी पावर है वध जाएगी। अगर एक नंबर लिखिया जावे और एक दे नाल जीरो ला दो तो एक सीधा 10 ते जा पहुंचदा है और जीरो दे नाल जीरो लाई जाओ ते कीमा वधाई जाओ अपनी जिंदगी च खुदावंद नूं लियाओ ते तुसी देखो तुसी पूरी कलीसिया दे नाल मिलकर वड्डे वड्डे काम करो। अज असी खुदावंद नाल मिलना चाहते हैं असी चाहते हैं कि असी वड्डे वड्डे काम करिए असी चाहते हैं कि खुदावंद साडी जिंदगी च वड्डे काम करे। ते तुसी याद रखो इन्ने खिदमत गुजार हो जो कि खुदा दी जात रब दी जात उस परमेश्वर दी जात तुहानू चुन ले ना कि तुसी उहनू चुनो। रोज घर बह के असी कहने वो मैं खुदा नू लभन चला वो मैं खुदा दा खादम हाँ वो मैं खुदा दे लई बड़ी खिदमत करना। मेरी गल दा यकीन जानो कि तुसी जो मर्जी कर लो अज भी खुदा तुहानू ही लब रहे है। क्यों बाइबल की बड़ी खूबसूरत आएगी मुबारक है वो इंसान जेदा गुनाह रब दी जात परमेश्वर अपने हिसाब च नहीं लिया और जेदे दिल च मकर नहीं। अगर तुसी कुछ भी कर लो लेकिन अपने दिलां चो मकारी कढ़ दोगे तो यकीन जानो खुदा दी जात तुहानू चुने ही बैठी है। सिर्फ मकारी कढ़नी है तो रब दी जात ने तुहानू अपने हथां दे रख लैणा उन्होंने तुहाडियां शकलां अपनी हथेली च बना लईआं ने उन्हें अपने लहू ने तुहानू खरीदिया ते असी अज अपनी जिंदगी च गुनाह दी दलदल च एवें दबे आ सानू पता ही नहीं। अज तुसी सोचदे हो कि दुनिया तुहाडे नाल दावत रख ली दुनिया तुहाडे खिलाफ है वो मैं की करा ओए छड़ दियो इन्हां गल्लां नूं दुनिया ते ओहदे खिलाफ होएगी जिहड़ा खुदा दे नाल है क्योंकि तुसी दुनिया दे नहीं बल्कि खुदा दे खादम हो ते जिहड़ा खुदा दा खादम है मेरी गल का यकीन जानो खुदावंद ओदी हिफाजत और निगरानी ही करेगा। छड़ दो फिकरा रब दी दात पूरा करेगी भावे तुसी अज सोच लो भावे कल सोच। अज असी प्रस्तुत करते हैं अज असी वड्डियां वड्डियां गीतां दे नाल ते वड्डे वड्डे तान पूरियां ते तबलियां दे नाल ते हारमोनियम दे नाल ते सोहनी सोहनी आवाजां दे नाल रब दी हमद करने आ ओदी प्रस्तुति करने आ ओनू जय जयकार आखने आ क्योंकि ओ जय जयकार करन दे काबिल है। लेकिन कदी सोचिया जे कि ओ ते जय जयकार करन दे काबिल है कि धरती वजह तो आसमान ते कोई जशन होया। अज अपनी जिंदगी बदलो अपनी जिंदगी च खुदावंद नूं लैके आओ खुदावंद दे जिंदा पाक नाम च लिखिया कि आसमान दे जशन हुंदे ने जदों इक खुदा दी कोई एक शख्सियत कोई एक रूहजान बच जावे तुसी नजात हो। अज इह वी मैं तुहानूं इक साफ गल दस्सां जिहड़ा सोचदा है मसीहत एक मजहब है ते मैं कहांगा उह शख्स गलत है मसीहत मजहब नहीं मसीहत तलीम है क्योंकि खुदा दी जात ने कहा सी मैं तमाम कौमों के लिए आया हूं। मजहब न तालुक रखता है बल्कि सच्चाई अपना जिंदगी और खुद और मैं अज
अभी चालू है? अभी चालू है। हम लोग जुड़ गए क्या? बड़ा शुक्र गुजार अपने बड़े वीर दा, दलवीर वीर दा, मैं उन्हां दा दिल दी गहराइयां दा शुक्र गुजार क्योंकि मैं पाकिस्तान च रहना और बहुत से मेरे वीर मेरिया भैन जूसरे ममालिके जूम की विसासत देख रहे हैं लेकिन मेरे भैनों से मेरे भाओ चाहे बुरा आसमान दोवे पर कट्ठा वसद है वह बारिश इन्ने को बद दो बराबर करेगा लेकिन मेरे खास उन्होंने भैन भरावान ने गल जे सोचते ने कि हाँ मैं तो कोई पादरी नहीं हाँ मेरे लिए तो कोई वड्डी गल नहीं है मैं तो कोई खुदा का खादम नहीं हाँ तो मैं किसी के लिए दुआ नहीं कर सकता दुआ दे पादरी को जाओ मेरे भैनों से मेरे भराओ ईमान ना कुछ भी मंगोगे तो जिंदगी ताड़े हथा च अज बेटा जरा इतने तजंबी बजा रहा है जरा इतने छोटा जाओ एक अरेबिक म्यूजिक बजा रहा है बेटा एक अरसे तो खिदमत कर रहे खुदावंद ने साडे नालों खड़ा किया और एक बड़े अच्छे चैनल पर बिठाए ब्रदर नील जेडे हुणे मेरे नाल बाइबल पढ़ रहे सन इन्होंने उस्तादी शिगिरदी की उहदे बाद साडे चैनल ते जिन्नियां भी गीत लॉन्च होए उहनां दा म्यूजिक इन्ना दित्ता यह वह चीज़ा ने जिदा वल ध्यान है सर लेकिन खुदा का ध्यान है वह चीज़ा ने जिन्ना वल साडा ध्यान है लेकिन साढ़े खुदा का सिर भी साढ़े नहीं है अज अपनी जिंदगी मैं जानना कि मैं कोशिश कर रहा कि मैं जल्दी खत्म करा कलाम को क्योंकि असी लोग जो ज्यादा लंबा कलाम करते हैं तो अक्सर एक होंगे कि सू आयत का ढेर मिल जाता और समझ नहीं आती लेकिन अज का जिंदा पाक कलाम ताड़े लिए बड़ी खुशी खबर लैके आया अज ते बड़ी अच्छी गल लैके आया कि तुसी उन्हों नहीं चुनिया अज तुसी इत्थे बैठे हो यह ताड़ी चॉइस नहीं है अज तुसी खुदा दे कलाम नूं सुन रहे हो यह ताड़ी ख्वाहिश या ताड़ी पसंद नहीं है अज तुसी खुदा दे कलाम नूं सुन रहे हो क्योंकि इहदे च परमेश्वर की मर्जी है खुदा की जात की मर्जी है और जिथे खुदा की जात की मर्जी हो उत्थे बरकत होंदी है उत्थे बरकत होंदी है और जो शख्स अपनी बरकत रसीव नहीं कर सकता उहदा कोई फायदा नहीं अज बहुत से लोग चाहते हो हाँ असी भी सुन नहीं लैंदे आ फिर अही कहने नहीं नहीं रहन दे क्यों ना मैं पहले रोटी पका ला बाकी काम बाद छोड़गे खैर जा अज मैं काम तो हुआ वा ते फिर आके रिकॉर्डिंग वेख लांगा मैं यह कहना गलत अज और हुणे ही अपनी बरकत रिसीव करो क्योंकि खुदावंद उन ही चुनेगा जेड़ा अगे वधे अगर मैं बलवीर भाई दे कोल अपने वड्डे भरा दे कोल गलास रखदा और खुदावंद ने उन्हां नूं सेहत तंदुरुस्ती दित्ती होए ते ओह अपनी ब्लैसिंग अपना गलास खुद उठाणगे अज तुसी और मैं अपनी सूली खुद चुकी अपनी सलीब खुद चुकी है और खुदावंद नाल तुरीए फिर देखो तुहाडी जिंदगी बदलदी चंगे भले हटे कटे असि लेकिन खुदा के कलाम का एक बाइबल का वचन चुकन लग्या असि इतना डरते हैं मैं नहीं कहता कि काम कार छड़ दो बल्कि मैं कहना कि काम तो वापसी दे तुसी अगर अपनी जिंदगी रोज नहीं एक आयत भी याद करो ना तो मेरी मेरे भ्राओ मेरे बच्चों मेरे जिन्हें भैन भरा बैठे यकीन करो साल 365 दिन होंगे ने तो 365 आयत सीख लेंगे हो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਕਾਂਚ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਮ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਆਇਤ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾ ਚਾਤ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਰੋਇਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ
खिदमत करेगा। मैं सोचा कि जस्ट एक ख्वाब है, सच बोल रहे हैं। मैं रोया के बारे में ज्यादा नहीं जानता सा, मैं सोचा एक ख्वाब है। लेकिन उसके चंद माह बाद मैं नहीं पता किड़े वक्त मैं अपने घर चर्च बना लिया और खुदावन ने मेनू जो ट्रेनिंग थी मैं अच्छे इतने बुलवा दी। अपनी जिंदगी खुदावन को इन्ना मैं अगर तुम पूछा साल च किन्ने दिन तुम फट कहोगे 365 दिन। अगर मैं तुम पूछा महीने किन्ने ने तुम फट कहोगे 12 महीने। जे मैं पूछा इन 12 महीनों च हफ्ते किन्ने होंगे ने तुम कहोगे एक महीने च 4-5 हफ्ते होंगे ने। फिर मैं तुम पूछा एक हफ्ते च दिन किन्ने होंगे ने तुम कहोगे 7 दिन होंगे ने। मैं तुम पूछागा 7 दिन च एक दिन का घंटे किन्ने होंगे ने तुम कहोगे 24 घंटे। मिनट किन्ने होंगे ने 14,040। लेकिन मेरी जान मेरे वीर मेरी भैन मेरे भरा यकीन जान कि तू अपनी शादी की खुशी अपने वीर की खुशी से चाल लिए बेकरार होएगा। लेकिन तू कभी एक दिन चो एक मिनट खुदा लिए नहीं तैयार होया कि अज मेरी बारी जी अज मैं खुदावन दे नाल जाना है अज मैं खुदा नाल गुफ्तगू करनी अज मैनू मेरे खुदा ने मिलना है। यह सोच नहीं है साडी च। यकीन जानो जिस दिन तुसी यह सोच अपना लोगे खुदावन ताडे नाल वड्डे वड्डे काम करेगा और खुदावन दफा कलाम ताडे लई ते मेरे लई हमेशा बरकत लै के आए। पाकलाम दा पढ़िया ते सुनिया जाना साडे सारयां लई पाए से बरकत होए। खुदावन दा शुक्र है। मैं चाहवांगा कि अज असी इस तों पहले कि मैं बाइबल वीड हाथ विच पूरी मीटिंग करा मैं अपने तमाम देखण वाले भैन भरावां दे लई दुआ करांगा और जो सानूं लाइव देख रहे ने या जो साडा ज़ूम है उन्हां सारयां लई एक छोटी जी दुआ करांगा। और मैं चाहवांगा कि उसके बाद जेड़े साडे वड्डे नादे मेरे वीर भाई बलवीर जेड़े ने ओह भी मेरे लिए खास दुआ और जितने भैन भरा बैठे ने यह भी सारे मेरे लिए भी दुआ करें। देखो यह ना सोचना कि खुदा का खादम अपने लिए दुआ करवा रहे हैं, इस तरह नहीं होता। हर इंसान को बरकत की जरूरत है जो कि हर रोज हर पल चाहिए। सो असि अपने खान बंद करा और खुदा मंदे हजूर चुका और कहे हालेलुया हालेलुया। ऐ मेरे जिंदा कदूस खुदावंद खुदा तेरे हजूर झुकता हूँ और मेरे रब मेरे परमेश्वर मैं तेरे हजूर अपने सिर को झुकाना वा और इस गल तेरी दुआ करना कि तू मैनू चुन लै मैं तेरे काम आ सका मेरी जिंदगी तेरे किसी मकसद च इस्तेमाल होवे ते मैं शुक्र गुजार होवांगा। ऐ मेरे खुदावंद मैं तेरे हजूर झुकना वा और अपने गुनाहों का इकरार करके ऐ कहना वा कि बाप तू ही है जिन्हें मैनू बचाया तू ही है जिन्हें मैनू अपने लहू ना खरीदया। आए मेरे बाप तू आसमान ते तख्त निशी है जमीन तेरे पैरां दी पीढ़ी है ते असी इस जमीन ते आ और तेरे हजूर झुक के नीवे होके तेरे हजूर सीस लाने आ सलाम करने आ तेरे हजूर झुक के तेनू धन्यवाद आखने आ क्योंकि जिंदा खुदावंद तू ऐसी काबिल है। अज तू सानू चुने है असी तेरा शुक्र अदा करने आ। ऐ बाप जो लोग अज साडे नाल दुआ च शामिल ने इन्हां सारयां नूं बरकत दे। मैं खास करके अपने वड्डे भरा लई अपने वीर लई बलवीर वीर लई दुआ करना कि खुदावंद इस तरह दे वीर मैनू तू दित्ते मैं तेरा शुक्र अदा करना। जिहड़े अपने निक्के वीर नूं तेरे कलाम दी मुनादी करन लई चुनदे ऐ खुदावंद जिहड़े भैन भरा इस टाइम जरूरतमंद ने या किसी भी मकसद लई तेरे हजूर चुके ने ऐ खुदावंद उन्हां दे तमाम मकसद और तमाम जरूरियात और तमाम चीजां दा जिम्मेदार होके उन्हां दी हर ख्वाहिश नूं पूरा कर जिहड़ी उन्हां दी जायज जिंदगी दी ख्वाहिश ऐ खुदावंद बेलादा नूं लाद देना तू और आसमान दे तख्त खोल के बरकतां देना। अज मैं तेरे हजूर चुके दुआ करना कि साडी अज दी मीटिंग अज दी दुआ नूं पसंद करना तमाम हाजिर जमात दे नाल होना और खास करके जिहड़ी टीम जिहड़े लोग जिहड़े वीर जिहड़ी भैणां जिहड़े भरा खानदान नाल बह के अज दुआ कर रहे ने और दुआ नूं सुन रहे ने जिन्हां दे कन्न तक इस स्पीकरां दी विसासत नाल इस स्क्रीन और मीडिया दी विसासत नाल तेरा कलाम खुदावन जांदा है उन्हां सारयां नूं बरकत दे और बहुत से लोग होण जिन्हां नूं तू चुने और बरकत दवे
ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ दिलबाग सिंह जी कैमरा ऑन करो पास्टर जी आज यू लिसनिंग मी और नॉट सर जी मैं बलवीर भाई ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही मेरा ना गल कर रहे हो नहीं पास्टर ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा ਚਲੋ ਗਵਰਧਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਂਟ ਕਰੇ ਪਾਸਟਰ ਗਵਰਧਨ ਜੀ ਦਬਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਮ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ थैंक यू प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे दास के लिए खासकर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सच में आज का वचन जो आज हमें सीखा है परमेश्वर सच में प्रभु हमारे जीवन में फल लेकर आए परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रभु यीशु मसीह और जितने भी परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर तेरे वचन को ऑनलाइन हम जब परमेश्वर इस जूम के माध्यम से जितने लोगों ने सुना है पिता सच में वो आशीष तो ब्लेस हो जाए और खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास को तेरे पवित्र तेरे जोराबर हाथों में सौंप देता हूँ पिता ऐसे ही से इस्तेमाल करिए परमेश्वर तेरी महिमा के लिए और मसा देकर परमेश्वर तेरी महिमा के लिए से खड़ा करिए प्रभु और परमेश्वर दुनिया की छोर तक इसे इस्तेमाल करिए प्रभु इसकी कलीसिया में इसकी फैमिली में प्रभु तेरे पवित्र लहू लगाता हूँ और इन्हें आशीषित करता हूँ ब्लेस करता हूँ इसी के नाम से पिता हम सबको तेरे बराबर हाथों में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन पास्टर जी सुनते पे जे दिलबाग सिंह जी सुनते पे जे ऑन वो प्लीज दिलबाग सिंह जी पास्टर वोटर ताड़ी आड़ी दे चलो पास्टर पास्टर जी किथे गया पास्टर जी जय मसीह दी किथे तुसीं ते लुक जांदे पास्टर जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ 24 ਚੇਨ ਪ੍ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਚੇਨ ਪ੍ਰੇ ਵਾਸਤੇ अपना माइक खोल दो पास्टर जी मोबाइल जो एक बटन ना प्रेस करो उन्हें वाई नहीं आ रही बलवीर भाई माइक ऑन नहीं किया भाई उन्होंने को ब्रदर जी अपना माइक ऑन करो प्लीज अपना माइक ऑन कर लो प्लीज तुम्हारा माइक ऑन नहीं है स्पीकर आ गई आवाज बोलो पास्टर जी हेलो आ रही है हाँ जी पास्टर दुआ करो
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु चैन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। हम सारे दुनिया को, सारे वर्ल्ड को प्रभु आशीष करते पिता परमेश्वर। आपका राज प्रभु हर जगह में, हर गली मोहल्ले में फैल जाए पिता परमेश्वर। जो जो लोग पिता परमेश्वर हमारी आवाज को सुनते हैं, हमें देखते हैं प्रभु, सब आशीष हो जाए प्रभु जी, और हमारा मसीह परिवार बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। मसीह परिवार प्रभु बढ़ता चला जाए, और पिता परमेश्वर जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपको बुरा बोलते हैं, उनके मनों को बदल डालना पिता परमेश्वर। उनके दिल बदल जाए, मन बदल जाए, वो तेरे चरणों में आ जाए प्रभु। विरोध वाले करने वाले को आशीष देना प्रभु जी, उनके पिता काम धंधे को आशीष देना मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। सारी दुनिया में प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हर गली मोहल्ला, हर फैक्ट्री, हर होटल, हर ट्रेन में, हर बस में प्रभु तेरे नाम की चर्चा हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबको ज्ञान बुद्धि अक्ल से भर देना, ताकि तेरे नाम को सारी महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। जहां जहां भी पिता तेरे लोग सेवा करते हैं, उनको ताकत देना, बल देना, शक्ति देना, और पिता परमेश्वर कोई भी अंधकार की ताकत रुकावट ना बने प्रभु जी। हमारा मेल मिलाप सबके साथ हमेशा के लिए बना रहे, और ये मसीह परिवार बढ़ता चला जाए प्रभु। तेरे दास को, बलवीर सिंह को पिता, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके कबीले को आशीष देना, उनकी सेवा को आशीष देना प्रभु। ये सेवा एक जन की नहीं है, हम सब की है पिता परमेश्वर। आशीषों की खान है प्रभु आप, क्षमा की खान है आप, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं हमारे द्वारा पिता परमेश्वर। पूरे वर्ल्ड में पिता तेरे नाम को हम ऊंचा कर सकें, हर जाति के लोगों को जीत सकें प्रभु जी, करोड़ों अरबों लोगों को पिता परमेश्वर हम बचाने वाले हो जाएं, ऐसी आशीष देना यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस प्रार्थना विनती को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यस यस, आमीन। ठीक है, वन आशी बलकीत जौंदी बेटी को एक गाना सुनेंगे, तो उसके बाद फिनिश करेंगे दुआ। ठीक है जी, मैं जी बेटी, ठीक है जी, रेडी हो रो, मैं तुम कुछ पास्टर जी उन्होंने रेडी होंगे पे, तुम तीन चार मिनट दसो की है, सिर्फ दो चार मिनट। पास्टर दिलबाग सिंह जी अपने तुम मैं क्या दसना जी, अपना थोड़े दो चार मिनट की धड़ना उपना चर्चे, थोड़े सिर्फ शॉर्ट च दसना कि ज्यादा लोग सुन जारी उन्होंने हो जाए, आप मीडिया च बैठे हुए हैं। पास्टर दिलबाग सिंह जी स्टार्ट करो, थोड़ा दो मिनट बच्चे, चार मिनट जो तुम देना और एक्सप्लेन करो। पास्टर जी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन फेयर करो, ताड़ी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, माइक नु ऑन करो जिदा पहलो किया सी। बलवीर भाई, जी बलवीर भाई, हाँ जी बोलो बोलो पास्टर जी बोलो। बलवीर भाई मैनू इजाजत है, एक ना इबादत बच्चे ना काफी देर तो मैं कह रहे सन, तो मैं क्या मैं पहले इधर अपनी इस मीटिंग नु करना, साड़ी पूरी टीम इस टाइम इत्थे ही है हाले, देखो
ਹਾਲੇ ਸਭੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਔਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਲਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਔਰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਓਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੁਣੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਓਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਓਦਾਂ ਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਓਦਾਂ ਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੁਣਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਓਕੇ ਸਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ तमाम ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਲਕੀਤ ਜਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬੋਲੇਗੀ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਬੇਟੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਇੱਕ Hallelujah. Hallelujah. Tu mere jeevan ki roti hai, tu mere jeevan ka paani है तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है खाता रहूं पीता रहूं पीता रहूं तेरी ही महिमा में गाता रहूं तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है मेरे सर पर तेरा मेरे सर पर हाथा देता है हर पल साथ मेरा देता है हर पल साथ मेरा जाता रहूं मैं जिंदगी में तू है यहोवा मेरा जाता रहूं मैं जिंदगी में तू है यहोवा तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है
तू मेरे जीवन की रोटी, तू मेरे जीवन का पानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, यही दे गोवर्धन जी, पास्टर गोवर्धन जी रेडी जे, रेडी जे नेक्स्ट फ्राइडे तुहानूं कहण लगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फाइव दिन दे रंगा तुसीं प्रीजिंग करनी है, प्रीजिंग तुसीं जे फ्राइडे दे, फ्राइडे ठीक है पास्टर जी। शाही है तू मेरे रोटी है, मेरे जीवन का पानी है, जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है। हालेलुया, हाले गॉड ब्लेस यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। रोमी जी मंडे तड़ी मीटिंग बुक कर लेंगे, मंडे रेडी है, नेक्स्ट जरा आ रहा है परसों नहीं, आज संडे कल नहीं, नेक्स्ट जरा मंडे आ रहा है, रेडी आप आखिरी दुआ करेंगे, हम सारे मिलकर आखिरी दुआ करेंगे, आप दुआ करिए। अब हमारे खुदा मन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफात और शरारत तमाम ईमानदारों के साथ प्रभु जेडे भी देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु सब जान हुई ये सुना दे मंगदा दे पा लेना है, आमीन। कल मंडे मीटिंग है, कल भुलाना टाइम सर, जिन्हें भी तुम एक बार बेनती करता प्लीज, बार बार कहना मनु भी शर्म आती है तो चंगा नहीं लगता, 3 बजे पूरे स्टार्ट हो जाया करो, तो मैं बार बार ना मैं भी नहीं चाहना कि मैं कुछ कहां तुम गुस्सा लगे या मैं गुस्सा लगे, ये खुदा के काम है, जो खुदा के काम नहीं करने तो गांह हाले बड़ी दूर है, मंजिल साड़ी बहुत दूर हाले। प्लीज तुम सारे बेनती है जिन्हें भी आ टाइम से आया करो, नहीं तो प्लीज ना आना, मेरी गल का गुस्सा ना आया करो प्लीज, मेरी तो मिनिस्ट्री पहले भी चलती पी सी, जो ना मैं जूम करा तो मेरी मिनिस्ट्री पहले भी चलती पी सी, की फायदा है, असं दोनों माँ प्यो प्यो धी बहने तो की यार सू बेनीफिट है कोई दसो, कोई नहीं बेनीफिट सू, असं बहने ते वास बहने ब्रीज करो, जो तुम नहीं आते तो फायदा नहीं है, मैं सोच रहा ये बारे ये बारे भी तुम दसा, मैं अपनी मिनिस्ट्री पहले भी 28 साल तो चलती पी, हूं भी चलती पी है मेरी, जो टाइम से नहीं होना तो की फायदा, उन कहते खुदारी सेवा करनी, की खुदारी सेवा करनी है जो ते को टाइम से नहीं आया जाता, टाइम से तो नहीं होर तो अज जो कोई मूवी लगी ना तमाशा लगे तो बड़ी छेती पहुंचोगी जाके, कोई पार्टी हो वे, कोई मेला है या कोई टीवी ड्रामे आते, मैं कल भी किया असर नहीं हों, तो प्लीज मैं तुम लास्ट वर्ग उस तो बाद मैं हो सकता मैं चैनल बंद करता, फायदा नहीं है किसी फायदा नहीं, मैं तुम रोज मैं छदाई नहीं रोज तुम क्या करा कि तुम टाइम से आओ टाइम से आओ, मेरी छोटी नहीं बेटी बैठी होंगी तुम देखे नहीं, जो छोटी बेटी बह सकती तुम शर्म आती है किसी खुदा के काम जी, मेरे कोई मेरे घर का काम नहीं है कि मेरी कोई मैं डिस्को पार्टी कर रहा या विह पार्टी कर रहा है, क्या कह के थालियां भर देना लोगों को समझ नहीं आती की मैं कहना चाहना, बेशक जी उन्होंने टाइम से आनी तो कोई ना आना प्लीज, ये तुम मैं लास्ट कह रहा हैं, मेरी 28 साल की पहलों भी मिनिस्ट्री सी, खुदा पहलों भी इस्तेमाल करता सी, की फायदा जे मैं तुम टाइम से नहीं आना तो फायदा नहीं कोई है प्लीज, इन्ना बेटर है ना आओ, बेशक मोस्ट वेलकम आ जाओगे तभी मोस्ट वेलकम है, ना आओगे तभी मोस्ट वेलकम है, पर मैं थोड़े दिन से मैं दे रहा नहीं तो मैं फैसला लेना पैना अपना, देखो निकी जी बेटी मेरी बह सकती तो की गल तुम सोचा करो कि पास जूम खोल खोलिया खुदा दे काम की खुदा दे काम करने जे हूं तेरे सारे को फैसिलिटिया घर है, खुदा देखो पैदल चलते होंगे ना उन्होंने को कारा से ना कुना से तहू इन रब ने फैसिलिटी फिर भी तुम ऐदा आंदे जिदा पता नहीं बड़ी कोई चीफ मिनिस्टर आया होंगे हौली हौली जाओ या जो कोई कोई जाना हो ना कि होर कि पार्टी मैरिज जाना तो बड़े भज भज जाते
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਖਿਚੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇੜਨਾ ਆਉਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰਾਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ